शुभ्रभात बच्चों, हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी का पाठ दो पढ़ा रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ शास्त्री मंत्र, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसका सारांश भी मैंने आपको बता दिया है। अब इससे संबंधित किताब में जो अभ्यास कार्य आपको बनाना है वो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, नया शब्द, मौखिक प्रश्न, ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट टू वीडियो में बता दिया। ये हमारा पार्ट थर्ड वीडियो है जिसमें आपको हम बता रहे हैं किताब से संबंधित, मतलब पार्ट दो से संबंधित किताब का अभ्यास कर, ठीक है। आइए हम बताते हैं। आप देख रहे होंगे अपने बुक को, बालिका कितने वर्ष की थी, तो यहाँ हम बता रहे हैं बालिका आपको कहानी में भी बताया है 5-6 वर्ष की थी। पिता ने हाथ हिलाकर आगे बढ़ने की आज्ञा किसे दी, महावत को दी। मनु बचपन में किससे खेलती थी, आपको मैंने कहानी में भी बताया कि मनु बचपन में हथियार तलवारों से खेलती थी, ना कि गुड्डा गुड्डी से। अब आइए, अंग्रेज ने किसकी शक्ति को लोहा माना, ये भी कहानी में बताया कि अंग्रेज ने लक्ष्मी बाई की शक्ति को लोहा माना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट अभ्यास का दूसरा प्रश्न संख्या, रिक्त स्थान को भरे प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे दिया हाथी पर, तो खाली जगह में हम भरेंगे राजा। राजा लोग ही बैठते थे, फिर दूसरे दैस बजाते हुए हाथी पड़ा, तो घंटिया बजाते हुए। ये है अभ्यास का। उसी तरह से इसके नीचे खाली जगह है, आपको दिख रहा है, यही आप भरेंगे। अब है मनु घोड़े पर से, दूसरा प्रश्न संख्या 5। मनु घोड़े पर सवारी करना चाहती थी, नहीं, मनु जो है वो चाहती थी, मनु चाहती थी हाथी पर सवारी कर, तो ये गलत होगा। अब यह है मनु की माता धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, तो ये सही है, यहाँ होती। फिर है हम लोगों का मनु का विवाह जॉनसन नामक व्यक्ति से हुआ था, नहीं, मनु का विवाह राजा गंगाधर राव से हुआ था, जो कि झांसी के राजा थे। मनु बचपन में गुड़िया से खेलती थी, नहीं, मनु बचपन में क्या चीज से खेलती थी, तलवारों और हथियारों से। यह आपको दिख रहा होगा, ये अभ्यास कार्य है यहाँ। अब आइए आगे हम आपको बताते हैं भाषा से। आपको दिख रहा है यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को अलग करना है, तो पुल्लिंग में मैंने यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को मैंने अलग किया है, दिख रहा होगा। पुल्लिंग में महावत, नाना, हाथी, घोड़ा, और स्त्रीलिंग में है माता, रानी, गुड़िया, धोती, आपको दिख रहा है। अब है वाक्य सही करके लिखना, ठीक है। तो यहाँ महावत यदि मैंने पुल्लिंग में लिखा है यहाँ, तो यहाँ जो है माता स्त्रीलिंग में मैंने लिखा, आप समझ गए इस तरह से हमें किताब में लिखना है। अब आइए आपको हम बताते हैं वाक्य सही करके लिखना। हाथी पर राजा लोग बैठता है, हाथी पर राजा लोग बैठता नहीं है, हाथी पर तो राजा लोग ही बैठते है, आपको दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका दूसरा है, वे पुरुषों को की भी मात देती थी, नहीं, वह पुरुषों को भी मात देती थी, आपको दिख रहा है अभ्यास का। फिर यहाँ पे है उसे प्यार से छबीली कहलाते थे, नहीं, सभी उसे प्यार से छबीली कहते थे। और इसके बाद एक अभ्यास कार्य है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो दो शब्द बनाना है, तो क्या है यहाँ, द्वित व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। द्वित व्यंजन में मैंने आपको व्याकरण में पढ़ाया है कि वही वर्ण, एक ही वर्ण पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित है, वही है द्वित व्यंजन। तो यहाँ चौचौ से दिया है, शब्द बनाया है यहाँ बच्चा और यहाँ सच्चा,
उसी प्रकार यहाँ पे तत्व है, तो तत्व से हम पत्ता, यहाँ एक शब्द कुत्ता, कुत्ता भी बनेगा, छत्ता भी बनेगा, आपके मन के ऊपर, आपको जो आ रहा है आप बनाएंगे, यहाँ बना हुआ है आप देख रहे हैं, ठीक है। भाग्य है, भा एक ज्ञ य से है, ये संयुक्त व्यंजन है जिसका पहला वर्ण स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे आप भाग्य बनाए और 11 बनाए, आपको दिख रहा है। फिर है वाक्य प्रयोग करना, तो मैं वाक्य आपको नहीं बताऊंगी प्रयोग करना, क्योंकि आप अपने शब्दों को मिला के वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों के सार्थक में को वाक्य कहते हैं। तो आप अपनी भाषा में वाक्य बनाएंगे बाल हाथ से, ठीक है। तो आप सरल वाक्य बनाएंगे, छोटा वाक्य बनाएंगे, आपको जो भी वाक्य अच्छा लगे आप बनाएंगे सरल भाषा में, ठीक है। बालिका मनु के बारे में भी बना सकते हैं, बाल हट करती है वो बचपन में, या फिर किसी के बारे में आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने भाषा में बनाएंगे। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ पाठ 3 में आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।